करूंगा कि कोटा जाके देख क्या है। आपके उनके मंत्री जो शायद शासन मंत्री हैं, उन्हें कोटा का कितना विकास करवाया। जोधपुर की जनता अच्छी सड़क के लिए तरस रही है। मैं उम्मीद करता हूं इस बजट के अंदर जोधपुर की सड़कों की जो दुर्दशा है उसको ठीक कर दें तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। दूसरा, अब हम यहाँ खड़े हैं सर्किट हाउस के पास, एक लैंड पड़ी है जो इनकम टैक्स के पास है। मैं राज्य सरकार से ये मांग करूंगा कि इसको जयपुर की तर्ज पर सेंट्रल पार्क बना दिया जाए, और केंद्र सरकार से भी हम कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स यदि राज्य सरकार मांगती है तो हम इस कोशिश करके एक अच्छा सेंट्रल पार्क और खुली लैंड टूरिज्म दृष्टि से भी हमारे लिए उचित रहेगी। दूसरा, जोधपुर में टेक्सटाइल का बड़ा उद्योग है। टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है, तो राज्य सरकार पहल करे, उसके लिए लैंड का आवंटन कर दे, जिससे टेक्सटाइल पार्क बनने में घोषित करने में केंद्र सरकार को सुविधा हो। तीसरा, आपके ये नदी नाले जहाँ गंदा पानी आ रहा है और ये टेक्सटाइल का, और जिसके कारण जोधपुरी जोची नदी से आगे तक ये बाड़मेर जिले में भी पानी जा रहा है, उस पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लान लगने चाहिए। राज्य सरकार भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने तो इसको ट्रीटमेंट प्लान लगाने की घोषणा की है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान पर जोधपुर के विकास के लिए जो शेष पिछले 4 बजटों के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उस घोषणाओं को लागू करें।